नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान जिला दर्शन की यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है वो है जिला जयपुर। जिला जयपुर दोस्तों, जिसे वैभव की नगरी कहा जाता है, राजस्थान की राजधानी कहा जाता है, इन सब विषय में दोस्तों हमने जिला जयपुर के पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज हम इसी चर्चा के क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम जयपुर की अन्य विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों आप भी शामिल हो जाइए राजस्थान जिला दर्शन की यात्रा में और दोस्तों यात्रा शुरू करिए जिला जयपुर से। जिला जयपुर दोस्तों, जो कि साहब आपके राजस्थान की राजधानी के रूप में जाना जाता है, आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक, वैभव का द्वीप कहलाता है। इस जयपुर की हम विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम जब जयपुर की चर्चा करेंगे तो दोस्तों आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा जयपुर के ऐतिहासिक स्थल। एकदम क्लियर दोस्तों, आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा जयपुर के ऐतिहासिक स्थल, ठीक दोस्तों। आज हम जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों पर चर्चा करेंगे, प्रमुख स्थलों पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो आज दोस्तों हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं जयपुर के प्रमुख स्थलों पर, कि जयपुर ज़िले के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। वे जयपुर है तो जयपुर बहुत बड़ा ज़िला है, बहुत सारी विशेषताओं के अपने अंदर समेटे हुए हैं, उन सब विशेषताओं को हम क्रम वाइज धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक। अगर दोस्तों हम प्रमुख स्थलों की बात करते हैं तो जो पहला स्थल होगा उसका नाम होगा हवा महल, ठीक। जो पहला स्थल होगा उसका नाम होगा हवा महल, जयपुर में है। प्रश्न उठ जाएगा कि जो हवा महल है, इस हवा महल का निर्माण किसने कराया? पूछ लिया जाए कि जो हवा महल है इसका निर्माण किसने कराया, तो आप क्या बताओगे कि हवा महल का निर्माण कराया था सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक। जो हवा महल है, इस हवा महल का निर्माण कराया था सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक। अच्छा, प्रश्न हो जाए कि साहब आपके निर्माण कब कराया था, ठीक। पूछा जाएगा कि निर्माण कब कराया था, 1799 ईस्वी में, ठीक। निर्माण कब कराया था, 1799 ईस्वी में, ठीक। हवा महल के वास्तुकार कौन है, ठीक। हवा महल के वास्तुकार कौन है, आप और हम सब जानते होंगे लालचंद उस्ता को हवा महल का वास्तुकार कहा जाता है, ठीक। जो लालचंद उस्ता है, इसे दोस्तों ओनली लालचंद को, उस्ता नहीं बोलेंगे हम, लालचंद को हवा महल का वास्तुकार कहा जाता है। एकदम क्लियर दो बातें दोस्तों। फिर बात आती है कि जो हवा महल है, इस हवा महल का आकार कैसा है, तो आप क्या बताओगे कि जो हवा महल है इसका आकार है कृष्ण के मुकुट के समान। हवा महल का जो आकार है ये कृष्ण के मुकुट के समान है, ठीक। और यह प्रश्न शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी में पूछा जा चुका है, ठीक, थर्ड ग्रेड 2006 में ये प्रश्न आ चुका है कि साहब आपके हवा महल का आकार कैसा है, कृष्ण के मुकुट के समान है। एकदम क्लियर। अगली बात समझना कि जो हवा महल है, इस हवा महल में कुल खिड़कियां हैं। दोस्तों जो हवा महल है, इस हवा महल में कुल खिड़कियां हैं 953, ठीक। और जो मुख्य खिड़कियां हैं वो है 365। कुल खिड़कियां हैं मतलब छोटी और बड़ी सबको मिला दे तो 953 है, और वर्ष के एक दिन के हिसाब से जो मुख्य खिड़कियां हैं वो कितनी हैं, 365 हैं, ठीक। हवा महल कितने मंजिला है, प्रश्न उठता है कि जो हवा महल है वो कितने मंजिला है, तो आप क्या बताओगे, हवा महल 5 मंजिला है, ठीक। फिर इनकी जो 5 मंजिलें हैं उसका नाम क्या क्या है, दोस्तों जो पहली मंजिल है उसका नाम है शरद मंदिर, ठीक। जो पहली मंजिल है उसका नाम है शरद मंदिर, और दोस्तों इस शरद मंदिर को सवाई प्रताप सिंह के नाम पर प्रताप मंदिर भी कहा जाता है, ठीक। इस शरद मंदिर को सवाई प्रताप सिंह के नाम पर प्रताप मंदिर भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों अभी RAS 2018 में पूछा जा चुका है, थोड़ा सा विवादास्पद क्वेश्चन था, RAS प्री 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला जो प्रश्न है, अगली जो मंजिल है उसका नाम है रत्न मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र महल। जो तीसरी मंजिल है इसका नाम है विचित्र महल,
पांचवी मंजिल का नाम है प्रकाश महल। ठीक, शरद मंदिर, विचित्र महल, प्रकाश महल, रत्न मंदिर, और जो अंतिम मंजिल है उसका नाम है हवा महल। क्या नाम है? हवा महल। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रत्येक मंजिल का आगे का अक्षर ले लो, श र वि प्र ह। ये छोटी सी ट्रिक बन जाती है, श र वि प्र ह। शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र महल, प्रकाश महल और हवा महल। एकदम क्लियर यहाँ तक? तुम हवा महल जयपुर में स्थित है। निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कराया था 1799 ईस्वी में। वास्तुकार थे लालचंद उस्ताम। आकार है कृष्ण के मुकुट के समान। ये प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2006 में आ चुका है। खिड़कियां 953 है। वर्ष के दिन के हिसाब से 365 है। मुख्य खिड़कियां 5 मंजिला है। शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र महल, प्रकाश महल और हवा महल। शरद मंदिर को सवाई प्रताप सिंह के नाम पर प्रताप मंदिर कहा जाता है। IAS 2018 का क्वेश्चन है, याद रखना। अगली बार समझना, जो हवा महल है ना दोस्तों, जो हवा महल है इसका निर्माण बिना नींव के किया गया है। ठीक, जो हवा महल है ये बिना नींव के निर्मित है, समझे ना। जो हवा महल है ये बिना नींव के निर्मित है। ठीक मित्रों, राजस्थान के दो स्मारक ऐसे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों। वर्ष 2020 के 21 के बोलूँगा आपको दोस्तों, वर्ष 2021 के राज्य कर्मचारियों, तो जो हवा महल है ना, इस हवा महल दोस्तों, राजस्थान के दो स्मारक ऐसे हैं जो बिना नींव के बनाए गए हैं। एक का नाम तो है हवा महल, एक का नाम तो है हवा महल, और एक का नाम है गागरोन दुर्ग। तो हवा महल और गागरोन दुर्ग दो ऐसे स्मारक हैं जो बिना नींव के बनाए गए हैं। हवा महल और गागरोन दुर्ग दो ऐसे स्मारक हैं जो बिना नींव के बनाए गए हैं, अर्थात इन्हें सीधा जमीन से ऊपर उठाया गया है। ठीक, फिर एक बात करते हैं, चूने पत्थर का उपयोग नहीं। मित्रों, राजस्थान के दो स्मारक ऐसे हैं जिनमें चूने पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है, अर्थात पत्थरों को आपस में जोड़ दिया गया है। उन दो स्मारकों में एक स्मारक का नाम है हवा महल। क्या नाम है? हवा महल। और एक स्मारक का नाम है जैसलमेर दुर्ग। क्या नाम है? जैसलमेर दुर्ग। तो हवा महल और जैसलमेर दुर्ग दो ऐसे स्मारक हैं जिनमें चूने पत्थर का उपयोग नहीं किया गया, मतलब दो पत्थरों को जोड़ने के लिए जो चूना पत्थर उपयोग में लाया जाता है वो यहाँ नहीं लाया गया है, पत्थरों को आपस में ही जोड़ दिया गया है। ये सबसे बड़ी कलाकारी है दोनों में, और गागरोन दुर्ग हवा महल में नींव का उपयोग नहीं किया गया है। एकदम क्लियर यहाँ तक? तो ठीक, अगली बात दोस्तों हम करते हैं, समझना। जो हवा महल है, इस हवा महल का निर्माण किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने। जो हवा महल है, इस हवा महल का निर्माण किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक, जो हवा महल है, इस हवा महल का निर्माण किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने। मेरे विद्वान साथियों, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में विभिन्न प्रकार के 22 विद्वान रहा करते थे। ठीक, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में विभिन्न प्रकार के 22 विद्वान रहा करते थे। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में विभिन्न प्रकार के 22 विद्वान रहा करते थे जिन्हें कहा जाता था गंधर्व 22। जिन्हें क्या कहा जाता था? गंधर्व 22। समझ जाओगे ना, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में विभिन्न प्रकार के 22 विद्वान रहा करते थे जिन्हें कहा जाता था गंधर्व 22। समझ जाओगे क्या? ठीक, चलो मेरे विद्वान साथियों, थोड़ी सी सामान्य जानकारी और ले लेते हैं भाई। ठीक, यात्रा का समापन बहुत अच्छा होना चाहिए तब जाके यात्रा शुभ मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, समझ, देखो, भारत के इतिहास में दो शासक हुए हैं, भारत के इतिहास में दो शासक हुए हैं जिनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। ठीक, भारत के इतिहास में दो शासक हुए हैं जिनके दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे। ठीक, एक का नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और एक का नाम था अकबर। इन दोनों के दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे जिन्हें कहा जाता था नवरत्न। क्लियर, इनके दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? नवरत्न। भारत के अलावा आपके दोस्तों इतिहास में दक्षिण भारत दोस्तों एक शासक हुआ है और उसका नाम है कृष्णदेवराय।
क्लियर। दक्षिण भारत में एक शासक हुआ है, नाम है कृष्णदेवराय। इस कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु भाषा के आठ कवि रहा करते थे। ठीक, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु भाषा के आठ कवि रहा करते थे, जिन्हें कहा जाता था अष्टप्रधान। जिन्हें क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। ठीक, इसी प्रकार शिवाजी के दरबार में आठ मंत्री रहा करते थे। जिन्हें कहा जाता था अष्ट दिग्गज। एकदम क्लियर। जिन्हें क्या कहा था दोस्तों आपके, तब समझना दोस्तों, जो कृष्णदेवराय है ना, इसके दरबार में साहब आपके जो आठ तेलुगु भाषा के आठ कवि रहा करते थे ना, उन्हें कहते थे अष्ट दिग्गज। समझ दोस्तों, इसके दरबार में जो तेलुगु भाषा के आठ कवि रहते थे उन्हें बोलते थे अष्ट दिग्गज। सॉरी दोस्तों, उन्हें क्या बोलते थे? अष्ट दिग्गज। एकदम क्लियर, अष्ट दिग्गज। ठीक, और जो शिवाजी के दरबार में आठ विद्वान रहा करते थे, आठ मंत्री रहा करते थे, उन्हें कहा जाता था अष्ट प्रधान। उन्हें क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान। और प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे 22 विद्वान, कहलाते थे गंधर्व 22 ही। एकदम क्लियर गया भी हूँ यहाँ तक तो? ठीक, दूसरी बात, जयपुर में जो दूसरा स्मारक होगा उसका नाम होगा जंतर मंतर। ठीक, बात आती है कि जो जयपुर में दूसरा स्मारक होगा इसका नाम क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? जंतर मंतर। क्या नाम होगा? जंतर मंतर। जयपुर का जो दूसरा स्मारक है उसका नाम क्या होगा? जंतर मंतर। ठीक, प्रश्न उठता है कि जो जंतर मंतर है इसका निर्माण किसने कराया? तो आप क्या बताओगे कि जो जंतर मंतर है इसका जो निर्माण कराया दोस्तों, वो कराया सवाई जय सिंह। जो जंतर मंतर है इसका निर्माण किसने कराया, तो आप क्या बताओगे कि जंतर मंत्र का निर्माण कराया सवाई जय सिंह ने, पहली बार। ठीक, अच्छा, प्रश्न उठता है कि जो जंतर मंतर है इसको निर्मित करने की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? उज्बेकिस्तान से। एकदम क्लियर, जो जंतर मंतर है इसको निर्मित करने की प्रेरणा साहब कहाँ से ली गई थी, तो आप क्या बताओगे? उज्बेकिस्तान से। एकदम क्लियर, जंतर मंत्र को निर्मित करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई थी? उज्बेकिस्तान से। प्रश्न नंबर तीन, कि जो जंतर मंत्र है इस जंतर मंत्र का वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों, जो जंतर मंत्र है ना इसका जो वास्तुकार है उसका नाम है याकूब। जंतर मंत्र का वास्तुकार कौन है? याकूब। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जंतर मंत्र को निर्मित करने का उद्देश्य क्या था? प्रश्न उठता है कि जंतर मंत्र को निर्मित करने का उद्देश्य क्या था, तो सब आप क्या बताओगे कि जंतर मंत्र को निर्मित करने का उद्देश्य था नक्षत्रों की गति की गणना करना। ये जंतर मंत्र को निर्मित करने का उद्देश्य था। एकदम क्लियर दोस्तों, जो जंतर मंत्र है इस जंतर मंत्र को सब आपके सम्मिलित किया गया है विश्व धरोहर सूची में। ठीक, जो जंतर मंत्र है इसे सम्मिलित किया गया है विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की लिस्ट में। ठीक, समझना दोस्तों, इसे जो विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया वो किया गया 31 जुलाई 2010 को। ठीक, इसकी जो घोषणा की गई, वो की गई ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया से। इसकी घोषणा कहाँ से की गई? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया से। एकदम क्लियर। अगली बार जो जंतर मंतर है ना, यह राजस्थान का पहला, क्लियर समझना, जंतर मंतर राजस्थान का प्रथम और भारत का 23वां स्मारक है। विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित होने वाला जंतर मंतर राजस्थान का तो प्रथम और भारत का
23वां स्मारक है, समझ जाओगे ना। विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित होने वाला राजस्थान का तो प्रथम और विश्व भारत का 23वां स्मारक है जंतर मंतर। जंतर मंतर का निर्माण कराया सवाई जय सिंह ने, प्रेरणा थी उज्बेकिस्तान से ली थी। वास्तुकार था याकूब, उद्देश्य था नक्षत्रों की गति की गणना करना। 31 जुलाई 2010 को इसे विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसकी घोषणा ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया से की गई थी। और जंतर मंतर विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित होने वाला राजस्थान का तो पहला और भारत का 23वां स्मारक है। मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एकदम क्लियर। इस जंतर मंतर में दोस्तों तीन यंत्र हैं। एक यंत्र का नाम है राम यंत्र, ठीक। एक का नाम है जय प्रकाश यंत्र, एक का नाम तो है राम यंत्र, एक का नाम है जय प्रकाश यंत्र और एक का नाम है सम्राट यंत्र, ठीक। यहाँ तीन यंत्र हैं, राम यंत्र, जय प्रकाश यंत्र और सम्राट यंत्र। इन तीनों को काम नक्षत्रों की गति की गणना है। अगर हम राम यंत्र की बात करें तो इसका निर्माण किया गया था ऊंचाई और वायु परीक्षण के लिए, एकदम क्लियर। इसका जो निर्माण किया गया था वो किया गया था ऊंचाई और वायु परीक्षण के लिए। तो जो जय प्रकाश यंत्र है इसका निर्माण किया गया था अक्षांशीय परीक्षण के लिए, एकदम क्लियर। अक्षांशीय परीक्षण के लिए, समझ जाओगे ना। जो राम यंत्र है इसका निर्माण किया गया था ऊंचाई और वायु परीक्षण के लिए। तो जय प्रकाश यंत्र का निर्माण किया गया था अक्षांशीय परीक्षण के लिए। और जो सम्राट यंत्र है इसका निर्माण किया गया था सूर्य की गति के आधार पर समय की गणना के लिए, समझ जाओगे ना। सूर्य की गति के आधार पर समय की गणना के लिए इसका निर्माण किया गया था, समझ जाओगे क्या। राम यंत्र ऊंचाई और वायु के लिए, जय प्रकाश यंत्र अक्षांश परीक्षण के लिए, सम्राट यंत्र समय की गणना के लिए निर्मित किया गया था, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। हवा महल और जंतर मंतर दो स्मारक हो गए क्या अभी हो, ठीक। अच्छा हो गया दो स्मारक एकदम ठीक। फिर बात आती है कि जयपुर में तीसरा स्मारक कौन सा है जो बहुत प्रसिद्ध है। जयपुर में तीसरा स्मारक कौन सा है जो बहुत प्रसिद्ध है। तो जयपुर में जो तीसरा स्मारक बहुत प्रसिद्ध है उसका नाम है अल्बर्ट हॉल। जयपुर में जो तीसरा स्मारक बहुत प्रसिद्ध है उसका नाम है अल्बर्ट हॉल, एकदम क्लियर। ये अल्बर्ट हॉल ये भी जयपुर में ही है, ठीक। फिर बात आती है कि जो अल्बर्ट हॉल है ये क्यों प्रसिद्ध है। तो साहब सबसे पहले बात आती है कि जो अल्बर्ट हॉल है, सबसे पहले बात आती है कि जो अल्बर्ट हॉल है इसका निर्माण किसने कराया था, ठीक। मतलब निर्माण किसने आरंभ किया था, ठीक। तो आप क्या बताओगे कि जो अल्बर्ट हॉल है इसका निर्माण आरंभ किया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने, ठीक। जो अल्बर्ट हॉल है इसका निर्माण आरंभ किया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने, ठीक। फिर बात आती है कि जो अल्बर्ट हॉल है इसका निर्माण पूरा कब हुआ, पूर्ण किसने करवाया था। तो जो अल्बर्ट हॉल है इसका जो निर्माण पूरा करवाया था वो कराया था सवाई माधो सिंह ने। निर्माण आरंभ तो किया था सवाई राम सिंह ने और पूरा कराया था सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय पूरा हुआ था, एकदम क्लियर। दो बातें, तीसरी बात दोस्तों साहब समझना कि जो अल्बर्ट हॉल है इस अल्बर्ट हॉल के जो वास्तुकार हैं, ठीक। जो अल्बर्ट हॉल है इस अल्बर्ट हॉल के जो वास्तुकार हैं उनका नाम है स्टीवन जेकब, समझ जाना। जो अल्बर्ट हॉल है इस अल्बर्ट हॉल के जो वास्तुकार हैं उनका नाम है स्टीवन जेकब, एकदम क्लियर। जो अल्बर्ट हॉल है इसका जो था आपके जो उद्घाटन किया था दोस्तों, जो अल्बर्ट हॉल है इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था एडवर्ड ब्रेड ने, ठीक। इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था एडवर्ड ब्रेड ने, ठीक, समझ जाना। वास्तुकार तो है स्टीवन जेकब और उद्घाटन करता है एडवर्ड ब्रेड, ठीक। प्रश्न आ जाए कि जो अल्बर्ट हॉल है इस अल्बर्ट हॉल की आधारशिला किसने रखी थी, मतलब नींव किसने रखी थी, क्लियर। तो आप क्या बताओगे, ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा, ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट ने अल्बर्ट हॉल की आधारशिला को रखा था। निर्माण आरंभ हुआ सवाई राम सिंह द्वितीय के समय, पूरा हुआ सवाई माधो सिंह के समय। वास्तुकार थे स्टीवन जेकब, उद्घाटन करता थे एडवर्ड ब्रेड और आधारशिला रखी प्रिंस अल्बर्ट ने। अच्छा पूछा जाएगा कि जो अल्बर्ट हॉल है ये अल्बर्ट हॉल
किस शैली में बनाया गया है, ठीक, अल्बर्ट हॉल किस शैली में बनाया गया है, तो आप क्या बताओगे कि जो अल्बर्ट हॉल है ये गॉथिक शैली में बनाया गया है, जो अल्बर्ट हॉल है ये गॉथिक शैली में बनाया गया है। और गॉथिक शैली का मतलब होता है कि अगर स्थापत्य कला में हिंदू स्थापत्य शैली, क्लियर, स्थापत्य कला में हिंदू स्थापत्य शैली इस्लामिक स्थापत्य शैली और यूरोपीय स्थापत्य शैली, ठीक, अगर स्थापत्य कला में हिंदू इस्लाम और यूरोपीय स्थापत्य शैली को मिश्रित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है आपके गौथिक शैली। तो गौथिक शैली का मतलब क्या होता है, समझना, गौथिक शैली का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्मारक जो हिंदू इस्लामिक और यूरोपीय तीनों शैलियों से निर्मित हो वो क्या कहलाता है आपके दोस्तों, गौथिक शैली कहता है। तो गौथिक शैली का मतलब होता है स्थापत्य कला के अंतर्गत यदि हिंदू इस्लामिक और यूरोपीय तीनों शैलियों का मिश्रण है तो उसे क्या कहा जाता है आपके दोस्तों, गौथिक शैली कहा जाता है, ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो अल्बर्ट हॉल है इस अल्बर्ट हॉल का आकार कैसा है, तो दोस्तों जो अल्बर्ट हॉल है ना इसका आकार है पिरामिडाकार। पिरामिडाकार है, अथवा अगर वह पिरामिडाकार नहीं आएगा तो ओपेरा हाउस के समान आएगा, क्लियर दोस्तों, किसके समान आएगा, ओपेरा हाउस के समान आएगा। और पूछा जाए कि जो ओपेरा हाउस है वो कहाँ है, लंदन में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो ऑस्ट्रिया और लंदन में जो ओपेरा हाउस है उसके समान है या फिर पिरामिडाकार है। इस अल्बर्ट हॉल में एक महिला की ममी रखी हुई है, और उस महिला का नाम था तूतू मियाँ, ठीक। यहाँ एक महिला की ममी रखी हुई है, ममी समझते होंगे ना, मम्मी और ममी में रात दिन का अंतर है, तो यहाँ एक ममी रखी हुई है तूतू मियाँ की ममी, एकदम क्लियर के भी हो, ठीक दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक। हवा महल हो गया, जंतर मंतर हो गया, अल्बर्ट हॉल हो गया, निर्माण आरंभ कराया था सवाई राम सिंह ने, पूरा कराया माधो सिंह ने, वास्तु का स्टीवन जेकब, आधारशिला एडवर्ड ब्रेड ने रखी, आधारशिला आपके प्रिंस अल्बर्ट ने रखी, शैली गोथी के, गोथी मतलब हिंदू इस्लामिक और यूरोपीय, आकार पिरामिडाकार, और यहाँ साहब आपके एक महिला की मम्मी रखी हुई है, नाम है तूतू मियाँ की मम्मी, हाँ या ना, हाँ भरो भी हो, हाँ हाँ बढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक। अगली बात, चार तीन बातें होंगी, चौथी बात, ठीक दोस्तों, अलवर जयपुर में एक तो है राम निवास बाग, ठीक, एक तो है जयपुर में राम निवास बाग और एक है जयपुर में रामबाग पैलेस, ठीक, जयपुर में एक तो है राम निवास बाग और एक है रामबाग पैलेस। ये जो राम निवास बाग है ना ये बनाया गया था अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत, ठीक, और जो रामबाग पैलेस है ये बनाया गया था मेहमान नवाजी के लिए, ठीक। और दोनों को ही बनाने वाला कौन था, सवाई राम सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, ठीक। राम निवास बाग हो गया, रामबाग पैलेस हो गया, दोनों बनाए गए थे अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत, एक बनाया गया मेहमान नवाजी के लिए, बनाने वाले थे सवाई राम सिंह द्वितीय, हाँ या ना, हाँ। पांचवी बात फिर आती है कि सब जयपुर में और इसके अलावा क्या है, ठीक, जयपुर में इसके अलावा और क्या है, तो दोस्तों जयपुर में एक स्थान है और उसका नाम है सांभर, ये सांभर बहुत प्रसिद्ध है, ठीक। फिर बात आती है सब आपके जो सांभर है, इस सांभर का प्राचीन नाम क्या था,
प्रश्न उठता है कि जो सांभर है इस सांभर का प्राचीन नाम क्या था। ठीक, तो आप क्या बताओगे कि जो सांभर है इस सांभर का प्राचीन नाम था सपादलक्ष। सांभर का प्राचीन नाम क्या था? सपादलक्ष। क्लियर। और सपादलक्ष का मतलब होता है 125,000 गांव का समूह। क्लियर, सपादलक्ष का मतलब होता है 125,000 गांव का समूह, उसे क्या कहा जाता है? सपादलक्ष कहा जाता है। एकदम क्लियर क्या? ये जो सांभर है ना, ये प्राचीन काल में चौहानों की राजधानी रही थी। एकदम क्लियर दोस्तों? दोस्तों चौहानों की राजधानी नहीं रही थी दोस्तों, यहाँ चौहान वंश की स्थापना हुई थी। एकदम क्लियर दोस्तों? इसी सांभर में चौहान वंश की स्थापना हुई थी, राजधानी तो अई क्षत्रियपुर थी। क्लियर, यहाँ चौहान वंश की स्थापना हुई थी। और पूछा जाए कि चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन था, तो आप क्या बताओगे कि वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई थी। यहाँ वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई थी सांभर में, प्राचीन नाम है सपादलक्ष। अब ये जो साहब आपके सांभर हैं, इस सांभर में साहब आपके एक स्थान है और उसका नाम है देवयानी तीर्थ। यहाँ एक स्थान है, उसका नाम क्या है? देवयानी तीर्थ। और इस देवयानी तीर्थ को कहा जाता है तीर्थों की नानी। एकदम क्लियर, क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। एकदम क्लियर। सांभर में एक स्थान है और वहाँ है शाकंभरी माता का मंदिर, चौहानों की देवी है। ठीक, यहाँ साहब आपके एक मंदिर है, नाम है शाकंभरी माता का मंदिर, ये भी कहाँ है? आपके सांभर में है। सांभर में एक स्थान और है, उसका नाम है नालीसर मस्जिद। ठीक, जो नालीसर मस्जिद है वो भी कहाँ है? सांभर में। संत हिस्सामुद्दीन की भूमि, ठीक, संत हिस्सामुद्दीन की भूमि किसे कहा जाता है? सांभर को कहा जाता है। ठीक, दादू दयाल जी ने जो प्रथम उपदेश दिए थे, क्लियर, राजस्थान के कबीर कहलाते हैं, दादू दयाल जी के जो प्रथम उपदेश हुए थे वो भी कहाँ हुए थे? सांभर में। ठीक, जो दादू दयाल जी हैं इनके जो प्रथम उपदेश हुए थे वो भी कहाँ हुए थे? सांभर में हुए थे। ठीक, अगली बात करते हैं तो जोधा अकबर का जो विवाह हुआ था, जोधा अकबर का जो विवाह हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? सांभर में। ठीक, जोधा अकबर का जो विवाह हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? सांभर में। और पूछा जाए कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे? 6 फरवरी 1562 को जोधा अकबर का विवाह हुआ था सांभर में। समझ जाओगे क्या? सांभर तब आपके प्राचीन नाम था सपादलक्ष। सपादलक्ष मतलब होता है 125,000 गांव का समूह। चौहान वंश की स्थापना सांभर में हुई थी। यहाँ देवयानी तीर्थ है, शाकंभरी माता का मंदिर है, नालीसर मस्जिद है, हिस्सामुद्दीन की भूमि सांभर को कहा जाता है। दादू दयाल जी ने अपने प्रथम उपदेश सांभर में ही दिए थे। जोधा अकबर का विवाह साहब आपके सांभर में ही हुआ था 6 फरवरी 1562 को। कब हुआ था रे भैया? 6 फरवरी 1562 को हुआ था। एकदम क्लियर। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से। नहीं है भैया, चलो क्या आगे। ठीक, अगर दोस्तों हम अगली बात करते हैं, यहाँ तक एकदम क्लियर, फिर बात करते हैं कि जयपुर में और क्या है। ठीक, फिर बात आती है कि जयपुर में और क्या है। ठीक, तो आप समझना, जयपुर में एक स्मारक और है और उसका नाम है सिटी पैलेस। ठीक, जयपुर में एक स्मारक और है और उसका नाम है सिटी पैलेस। ठीक, ये भी जयपुर में ही है। ठीक दोस्तों, जो सिटी पैलेस है ना, इस सिटी पैलेस का जो वास्तविक नाम है, समझ ना, जो सिटी पैलेस है, इस सिटी पैलेस का जो वास्तविक नाम है वो है चंद्र महल। जो सिटी पैलेस है, इस सिटी पैलेस का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? चंद्र महल। क्लियर। और चंद्र महल को सिटी पैलेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शहर के मध्य में बना हुआ है, तो शहर के मध्य में स्थित होने के कारण सिटी पैलेस को चंद्र महल के नाम से जाना जाता है, मेरे प्रिय और विद्वान साथियों। एकदम क्लियर। अब बात आती है कि तब आपके जो सिटी पैलेस है, इस सिटी पैलेस का निर्माण किसने कराया था? ठीक, तो हम बताएंगे कि जो सिटी पैलेस है इसका निर्माण कराया था सवाई जयसिंह ने। जो सिटी पैलेस है इसका निर्माण किसने कराया था? सवाई जयसिंह ने कराया था। ठीक, अच्छा बात आता ही है कि निर्माण कब कराया था, पूछ लिया जाए
कि निर्माण कब कराया था, तो आप क्या बताओगे कि सेठी पैलेस का निर्माण हुआ था 1735 में। एकदम क्लियर, कब हुआ था 1735 में। फिर बात आती है कि जो सेठी पैलेस है इसके वास्तुकार कौन कौन थे, जो सेठी पैलेस है इसके वास्तुकार कौन कौन थे। तो दोस्तों इसके वास्तुकार में तीन व्यक्तियों का नाम लिखेंगे हम, ठीक। एक का नाम था स्टीवन जेकब, एक का नाम तो क्या था स्टीवन जेकब, ये सेठी पैलेस के वास्तुकार थे। एक का नाम था विद्याधर भट्टाचार्य, एक का नाम क्या था विद्याधर भट्टाचार्य, ये सेठी पैलेस के वास्तुकार थे। एक तो कौन थे स्टीवन जेकब, एक थे विद्याधर भट्टाचार्य और एक था याकूब। एकदम क्लियर, ये तीनों सब आपके सेठी पैलेस के वास्तुकार थे। स्टीवन जेकब यूरोप से थे, विद्याधर भट्टाचार्य भारत के थे, याकूब उज्बेकिस्तान का था, ठीक। अगर तीनों इसके वास्तुकार थे तो इसका मतलब जो सेठी पैलेस हैं इसकी शैली भी कौन सी हुई, तो आप क्या बताओगे कि जो सेठी पैलेस हैं इसकी शैली भी कौन सी हो गई, गौथिक। मतलब सेठी पैलेस पर हिंदू, इस्लामिक और यूरोपीय स्थापत्य शैली का प्रभाव है, इसलिए इसको सेठी पैलेस कहते हैं, तीनों शैली से प्रभावित हैं, ठीक। फिर बात आती है कि जो सेठी पैलेस हैं इस सेठी पैलेस में कितनी मंजिलें हैं, तो आप क्या बताओगे यहाँ कुल 7 मंजिलें हैं। एकदम क्लियर, यहाँ कुल 7 मंजिलें हैं या 7 महल हैं। फिर बात आती है वो 7 महल कौन कौन से हैं, तो एक महल का नाम है प्रीतम महल, जो एक महल है उसका नाम है प्रीतम महल, ठीक। एक महल तो है उसका नाम है प्रीतम महल, ठीक। एक का नाम है सुख महल, ठीक। एक का नाम है शोभा महल, ठीक। एक का नाम है छवि महल, एक का नाम है चंद्र महल, एक का नाम है रंग महल और एक का नाम है श्रीनिवास महल। क्लियर, एक का नाम है श्रीनिवास महल। ये 5 में 7 महल है यहाँ, प्रीतम सुख शोभा छवि चंद्र रंग श्रीनिवास में है। एकदम क्लियर, यहाँ 7 महल है, प्रीतम महल, सुख महल, सुख शोभा महल, छवि महल, चंद्र महल, रंग महल और श्रीनिवास महल, ठीक। इसी चंद्र महल में सवाई जयसिंह के द्वारा, इसी चंद्र महल में सवाई जयसिंह के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किया गया था। एकदम क्लियर, इसी सवाई चंद्र महल में सवाई जयसिंह ने क्या किया था, अश्वमेघ यज्ञ। एकदम क्लियर, और पूछा जाए कि अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहित कौन थे, ठीक। पूछा जाएगा कि जो अश्वमेघ यज्ञ किया था तो इसके पुरोहित कौन थे, तो आप क्या बताओगे कि जो अश्वमेघ यज्ञ किया था इसके जो पुरोहित हैं उनका नाम था कुंपुंडरीक रत्नाकर। क्लियर, जो अश्वमेघ यज्ञ किया था उसके पुरोहित कौन थे, पुंडरीक रत्नाकर। सेठी पैलेस के चंद्र महल में ही सवाई जयसिंह के द्वारा दोस्तों अश्वमेघ यज्ञ किया गया था और इस अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहित थे साहब आपके पुंडरीक रत्नाकर, ठीक। और दोस्तों जो पुंडरीक रत्नाकर है ना, इनकी रचना का नाम है जयसिंह कल्पद्रुम। जो पुंडरीक रत्नाकर हैं इनकी रचना का नाम है जयसिंह कल्पद्रुम, ये इनके द्वारा लिखी गई एक रचना थी पुंडरीक रत्नाकर की, ठीक। अच्छा, जब अश्वमेघ यज्ञ किया गया था तो सवाई जयसिंह के अश्व को कुंभानी राजपूतों के द्वारा रोका गया था। जब अश्वमेघ यज्ञ किया गया था तो सवाई जयसिंह के अश्व को कुंभानी राजपूतों के द्वारा रोक लिया गया था, समझ जाओगे ना, सवाई जयसिंह के अश्व को कुंभानी राजपूतों ने रोक लिया था। क्लियर, कभी कभी पूछ लिया जाता है तो सब आपके ध्यान ना, ठीक। कुंभानी राजपूतों के द्वारा इसको रोका गया था, ठीक। सेठी पैलेस का वास्तविक नाम चंद्र महल है, निर्माण सवाई जयसिंह ने 1735 में कराया था, वास्तुकार थे स्टीवन जेकब, विद्याधर भट्टाचार्य, याकूब, शैली गौथी। गौथी मतलब समझ गया क्या, हाँ बरू, हाँ हाँ, ठीक। मंजिलें हैं 7, प्रीतम सुख शोभा छवि चंद्र रंग श्रीनिवास में है, ठीक। इसी चंद्र महल में अश्वमेघ यज्ञ किया था सवाई जयसिंह ने पुंडरीक रत्नाकर के निर्देशन में। पुंडरीक रत्नाकर की रचना का नाम है जयसिंह कल्पद्रुम और इस अश्वमेघ में सब आपके कुंभानी राजपूतों ने सवाई जयसिंह के अश्व को रोक लिया था, हाँ या ना, हाँ बरु, हाँ हाँ, एकदम क्लियर। चलो आगे, ठीक। चलो भैया, अब देखो थोड़ी सी हम जानकारी बात कर लेते हैं, ठीक। बात आती है
कि भारत में सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किसने किए। ठीक, बात आती है कि भारत में सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किसने किए। ठीक, प्रश्न आ जाए कि भारत में सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किसने किए, तो आप क्या बताओगे कि भारत में जो सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किए वो किए हैं मयूर शर्मन ने। भारत में जो सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किए वो किए हैं मयूर शर्मन ने। ठीक, इसके द्वारा भारत में सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। फिर बात आती है कि जो मयूर शर्मन है ये किस वंश का संस्थापक है। ठीक, धारणा दोस्तों, जो मयूर शर्मन है ना ये कदंब वंश का संस्थापक है। ठीक, जब मयूर शर्मन है ये किस वंश का संस्थापक है, कदंब वंश का संस्थापक है। ठीक, और पूछा जाए कि मयूर शर्मन की राजधानी का नाम क्या था। ठीक, पूछा जाएगा कि जो मयूर शर्मन है इस मयूर शर्मन की राजधानी का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि मयूर शर्मन की राजधानी का नाम था वनवासी। इसकी राजधानी का नाम था वनवासी। और प्रश्न आ जाए कि अश्वमेध इसने कुल कितने बार अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो दोस्तों इसने कुल 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसने कुल 18 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे मयूर शर्मन ने। तो भारत में सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किसने किए हैं, मयूर शर्मन ने। ये कदंब वंश का शासक था, राजधानी थी वनवासी, इसने 18 बार अश्वमेध यज्ञ किए हैं, याद रखना। ठीक, अच्छा, फिर बात आती है कि अंतिम अश्वमेध यज्ञ किसने किया। ठीक, बात आती है कि अंतिम अश्वमेध यज्ञ किसने किया। ठीक, बात आती है कि अंतिम अश्वमेध यज्ञ किसने किया, एकदम क्लियर। तो आप क्या बताओगे कि जो अंतिम अश्वमेध यज्ञ किया वो किया सब आपके सवाई जय सिंह ने, एकदम क्लियर। जो अंतिम अश्वमेध यज्ञ किया वो सब किसने किया था, दोस्तों आपके सवाई जय सिंह ने किया। ठीक, फिर बात आती है कि सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ किसने किया। ठीक, बात आती है कि सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ किसने किया। ठीक, तो दोस्तों अभी आपने कोरोना काल में रामायण देखी होगी, तो सब आपके जनक का नाम सुना होगा, आपके मिथिला नरेश जनक, एकदम क्लियर। और सब आपके मिथिला का एक नाम साहब आपके रखा गया था विदेह। ठीक, जो मिथिला है इसका एक नाम है विदेहपुर। अच्छा, मिथिला का नाम विदेहपुर क्यों रखा गया, मूल नाम तो मिथिला है। ऐसी मान्यता है कि सब आपके जब मिथिला नगरी में अकाल पड़ा तो सब आपके आकाशवाणी हुई कि अगर राजा जनक अपने हाथों से मिथिला की भूमि को सींचेंगे, हल द्वारा सब आपके जोतेंगे, तो संभवतः सब आपके मिथिला से अकाल समाप्त होगा। तो जब राजा जनक साहब आपके सोने के हल से जमीन को जोत रहे थे, तो उसी समय उस हल से साहब आपके जमीन की जब जोत रहे थे, तो सब आपकी जमीन से एक कलश निकला, उसमें एक कन्या थी और वह कन्या सीता थी। और चूंकि सीता का जन्म किसी की देह से नहीं हुआ था, इसलिए सीता का नाम रखा गया था आपके वेदेही। सीता का जन्म किसी की देह से नहीं हुआ तो सीता का नाम रखा गया वेदेही। वो वेदेही साहब आपके राजा जनक की पुत्री कहलाई और इसलिए दोस्तों उस मिथिला का नाम हो गया विदेहपुर। और दोस्तों विदेह राज जनक के द्वारा, सब समझ रहे दोस्तों। फिर बात आती है कि जो प्रथम अश्वमेध यज्ञ किया था वो किसने किया था, तो आप क्या बताओगे विदेहराज जनक ने। ठीक, विदेहराज जनक के द्वारा साहब आपके पहली बार अश्वमेध यज्ञ किया गया था, एकदम क्लियर। अच्छा, बात आती है कि जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, ठीक, बात आती है कि जो ये अश्वमेध यज्ञ किया जाता था इसका कारण क्या होता था। ठीक, बात आती है कि अश्वमेध यज्ञ का कारण क्या होता था, क्लियर। तो आप क्या बताओगे कि जो अश्वमेध यज्ञ है यह सर्वराट की उपाधि को धारण करने के लिए किया जाता था, क्लियर। अश्वमेध यज्ञ सर्वराट की उपाधि को धारण करने के लिए किया जाता था, समझ जाओगे ना। अश्वमेध यज्ञ सर्वराट की उपाधि को धारण करने के लिए किया जाता था। और दोस्तों जो अश्वमेध यज्ञ है यह भारत की पश्चिम दिशा में ही किया जाता था, समझना। जो अश्वमेध यज्ञ है यह भारत की पश्चिम दिशा में किए जाने का प्रावधान था वेदों में, तो ठीक दोस्तों। ये अश्वमेध यज्ञ है यह भारत की पश्चिम दिशा में ही किया जाता था,
ऐसा सब आपके प्रावधान था वेदों में। एकदम क्लियर किया यहाँ तक? ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। अच्छा देखो एक बात और समझना दोस्तों अच्छी तरह। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह पढ़ोगे। प्राचीन भारत के इतिहास में चार यज्ञ बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक दोस्तों, भारत की पूर्व दिशा में जो यज्ञ किया जाता था उसका नाम था राजसूय यज्ञ। ठीक। अच्छा फिर बात आती है कि जब राजसूय यज्ञ किया जाता था तो सब आपके किस उपाधि के लिए किया जाता था? क्लियर? तो आप समझना, सम्राट की उपाधि के लिए क्या किया जाता था? राजसूय यज्ञ। तो पश्चिम दिशा में क्या किया जाता था? अश्वमेघ यज्ञ। पश्चिम दिशा में साहब क्या किया जाता था? अश्वमेघ यज्ञ। और किस उपाधि के लिए किया जाता था पूछा जाए कि जो अश्वमेघ यज्ञ है ये किस उपाधि के लिए किया जाता था? तो सर्वराट की उपाधि के लिए किया जाता था। दक्षिण दिशा में किया जाता था सर्वराज्ञ यज्ञ। ठीक, दक्षिण दिशा में किया जाता था सर्वराज्ञ यज्ञ। ठीक, और पूछा जाए कि सर्वराज्ञ यज्ञ किस उपाधि के लिए किया जाता था? तो आप क्या बताओगे कि जो सर्वराज्ञ यज्ञ है यह भोज की उपाधि के लिए किया जाता था। ठीक, फिर उत्तर दिशा में साहब किया जाता था पुरुष मेघ यज्ञ। क्लियर दोस्तों, जो उत्तर दिशा है यहाँ किया जाता था पुरुष मेघ यज्ञ। ठीक, और उपाधि पूछी जाए तो विराट की उपाधि के लिए। क्लियर, अर्थात अगर सम्राट की उपाधि धारण करनी है तो साहब आपके राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा। सर्वराट की उपाधि धारण करनी है तो अश्वमेघ, भोज के लिए सर्वराज्ञ, विराट के लिए पुरुष मेघ। ठीक, अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना, वैदिक काल में पूर्व दिशा का साहब आपके जो क्षेत्र होता था ना इसे कहते थे साम्राज्य। क्लियर, और साम्राज्य का मुख्य सम्राट, और सम्राट के लिए कौन सा यज्ञ अनिवार्य था? राजसूय। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में पूर्व दिशा को कहते थे साम्राज्य, तो जो पश्चिम दिशा है इसे कहते थे सर्वराज्य। क्या कहते थे? सर्वराज्य। ठीक, जो दक्षिण दिशा है इसे कहते थे भोज्य। ठीक, अर्थात वैदिक काल में पूर्व दिशा का क्षेत्र तो कहलाएगा साम्राज्य, पश्चिम दिशा का क्षेत्र कहलाएगा सर्वराज्य, दक्षिण का कहलाएगा भोज्य, और तब आपके जो उत्तर का क्षेत्र है ये कहलाएगा वे राज्य। जो उत्तर दिशा का क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? वे राज्य कहलाएगा। एकदम क्लियर है दोस्तों यहाँ तक तो? ठीक, अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना, वैदिक काल में जो मध्य दिशा का क्षेत्र था, एकदम क्लियर दोस्तों? जो दोस्तों वैदिक काल में, दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन करूँगा यार तमन्ना। ठीक दोस्तों, यहाँ राजसूय नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा वाजपेयी यज्ञ। ठीक दोस्तों, यहाँ राजसूय नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? वाजपेयी यज्ञ आएगा। सॉरी दोस्तों भैया, यहाँ राजसूय नहीं आएगा, यहाँ वाजपेयी आएगा। ठीक, और दोस्तों जो राजसूय यज्ञ है ना ये तो किया जाता था मध्य दिशा में। कहाँ किया जाता था? मध्य दिशा में। और कौन सी उपाधि के लिए? राजा की उपाधि के लिए। क्लियर, जो राजसूय यज्ञ है ये किया जाता था मध्य दिशा में राजा की उपाधि के लिए। पूर्व दिशा में वाजपेयी, पश्चिम में अश्वमेघ, उत्तर में पुरुष मेघ, दक्षिण में सर्वराज्ञ, मध्य में राजसूय। एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना, पूर्व दिशा का क्षेत्र साम्राज्य, पश्चिम का सर्वराज्य, उत्तर दिशा का क्षेत्र वैराज्य कहलाता था, दक्षिण दिशा का क्षेत्र भोज्य, मध्य दिशा का क्षेत्र राज्य, राज्य का मुखिया राजा, राजा के लिए राजसूय यज्ञ अनिवार्य था। ध्यान रखना दोस्तों अच्छी तरह। ठीक, फिर बात आती है कि जयपुर में इसके अलावा और क्या प्रसिद्ध है, और कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक, तो दोस्तों जयपुर में एक स्थान है और उस स्थान का नाम है गलताजी। ठीक, जयपुर में एक स्थान है और उसका नाम क्या है? गलताजी। ठीक दोस्तों, जो गलताजी है ना इसका एक उपनाम और है। ठीक, बंदरों की संख्या अधिक होने के कारण इस क्षेत्र को कहा जाता है मंकी वैली। बंदरों की संख्या अधिक होने के कारण इस क्षेत्र को कहा जाता है मंकी वैली। ठीक, फिर बात आती है कि जो गलताजी है, गलताजी की स्थापना किसने की थी? बात आती है कि जो गलताजी है इस गलताजी की स्थापना किसने की थी? ठीक, जो गलताजी हैं इस गलताजी की स्थापना किसने की थी? तो आप क्या बताओगे कि जो गलताजी हैं इसकी स्थापना की थी बालाबाई ने। जो गलताजी हैं इसकी स्थापना किसने की थी? बालाबाई ने। ठीक, फिर बात आती है कि जो बालाबाई है ये किसकी पत्नी थी? तो आप क्या बताओगे कि जो बालाबाई है ना ये पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी थी।
जो बालाबाई हैं यह पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी थी। ठीक, बालाबाई हैं ये किसकी पत्नी थी? पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी थी और वैष्णव धर्म की अनुयायी थी, इसलिए अब आपकी इन्होंने गलताजी की स्थापना करी। ठीक दोस्तों, जो गलताजी है ना, इस गलताजी का नाम रखा गया गालव ऋषि के नाम पर, अर्थात गालव ऋषि की तपोभूमि होने के कारण, गालव ऋषि की तपोभूमि होने के कारण। ठीक, इसे क्या कहते हैं? गलताजी। गालव ऋषि की तपोभूमि होने के कारण आप इसे कहते हैं गलताजी। दोस्तों इसी गलताजी में रामानंद संप्रदाय की भी सब आपके पीठ है। ठीक दोस्तों, जो गलताजी है इसी गलताजी में आपके रामानंद संप्रदाय की पीठ भी है। एकदम क्लियर, यहाँ रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ है, पीठ ही नहीं दोस्तों, आपके प्रधान पीठ है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि गलताजी में, अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में जो रामानंद संप्रदाय है ना, इसके दो केंद्र हैं। राजस्थान में रामानंद संप्रदाय के दो केंद्र हैं, एक तो है गलताजी और एक है रेवासा सीकर। राजस्थान में रामानंद संप्रदाय के साथ आपके दो केंद्र हैं, एक तो है गलताजी और एक है रेवासा सीकर। गलताजी में सब आपके जो रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी वो की थी कृष्णदास पयहारी ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी वो की थी कृष्णदास पयहारी ने। इनका नाम पयहारी क्यों रखा गया? कृष्णदास भोजन नहीं किया करते थे, केवल दूध का ही सेवन किया करते थे और दूध को देव भाषा संस्कृत में पय कहा जाता है, तो पय का हरण करने वाला, पय को पीने वाला पयहारी कहलाया। तो आजीवन दूध का सेवन करने के कारण का नाम हो गया कृष्णदास पयहारी। हाँ या ना? हाँ, एकदम क्लियर। तो बात आती है कि जो रेवासा सीकर हैं, यहाँ सब आपके जो रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी वो की थी अग्रदास जी ने। साहब किसने की थी? अग्रदास जी ने की थी। ठीक, और दोस्तों जो अग्रदास जी है ना, वो इन कृष्णदास जी के गुरु थे। तमन्ना, जो अग्रदास जी है वो कृष्णदास पयहारी के गुरु थे। ठीक, अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, रामानंद संप्रदाय में राम और सीता की पूजा होती है। रामानंद संप्रदाय में राम और सीता की पूजा होती है, किंतु रेवासा सीकर में राम की तो पूजा होती है कृष्ण के रूप में। क्लियर, राम की तो पूजा होती है कृष्ण के रूप में। रेवासा सीकर में जो रामानंद संप्रदाय की पीठ है, यहाँ राम की तो पूजा होती है कृष्ण के रूप में और माँ जानकी की पूजा होती है राधा के रूप में। एकदम क्लियर, माँ जानकी की पूजा होती है राधा के रूप में। ठीक दोस्तों, जहाँ राम और सीता रहेंगे ना, वहाँ तो होगी मर्यादा, वहाँ तो क्या होती है? मर्यादा। और जहाँ कृष्ण और राधा होते हैं वहाँ होता है रास। क्या होता है? रास। ठीक, रास का मतलब होता है श्रृंगार, प्रेम और विरह, इसे रास कहते हैं। एकदम क्लियर। तो चूंकि रेवासा सीकर में राम और सीता की पूजा कृष्ण और राधा के रूप में होती है, इसलिए रेवासा सीकर में रामानंद संप्रदाय को कहा जाता है रसिक संप्रदाय। रेवासा सीकर में जो रामानंद संप्रदाय है इसे क्या कहा जाता है? रसिक संप्रदाय कहा जाता है। मेरे विद्वान साथियों, समझ गए क्या अच्छी तरह? हाँ बरोबर। हाँ, फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके जयपुर में और कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बात आती है कि इसके अलावा जयपुर में और कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो जयपुर में अगला स्थान प्रसिद्ध है ना, उसका नाम है दोस्तों आपके गोविंद देव जी का मंदिर। जो जयपुर में अगला स्थान प्रसिद्ध है उसका नाम है गोविंद देव जी का मंदिर। क्लियर दोस्तों, जो जयपुर में अगला स्थान है उसका नाम है गोविंद देव जी का मंदिर। दोस्तों ये भी बहुत प्रसिद्ध है जयपुर में। एकदम क्लियर, गोविंद देव जी का मंदिर यह बहुत प्रसिद्ध है जयपुर में। फिर बात आती है कि जो गोविंद देव जी का मंदिर है इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक, बात आती है कि जो गोविंद देव जी का मंदिर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप क्या बताओगे कि जो गोविंद देव जी का मंदिर है इसकी स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने। किसने की थी भैया? सवाई जय सिंह ने की थी। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो गोविंद देव जी हैं ये किस संप्रदाय के हैं? बात आती है कि जो गोविंद देव जी हैं ये गोविंद देव जी किस संप्रदाय के हैं? तो आप क्या बताओगे कि जो गोविंद देव जी हैं ना यह गौड़ीय संप्रदाय के हैं।
समझ जाओगे ना, जो गोविंद देव जी हैं ये किस संप्रदाय के हैं, गौड़ीय संप्रदाय के हैं। और प्रश्न आ जाए कि गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, प्रश्न आ जाए कि गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे कि गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने। समझ जाओगे ना, पूछा जाए कि जो गौड़ीय संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी, गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने की थी। ठीक, अच्छा बात आती है, जो गौड़ीय संप्रदाय है इसमें राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। ठीक, गौड़ीय संप्रदाय में राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है, जानना। गौड़ीय संप्रदाय में राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है, समझ जाओगे क्या। ठीक, गौड़ीय संप्रदाय में राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है, दो बातें क्लियर। तीसरी बात समझना दोस्तों, जो गौड़ीय संप्रदाय है ना, इसका जो प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है उसका नाम है अचिंत्य भेदाभेदवाद। ठीक, इसका नाम दोस्तों गौरांग महाप्रभु चैतन्य के द्वारा जो सब सिद्धांत दिया गया था उसका नाम था अचिंत्य भेदाभेदवाद। और अचिंत्य भेदाभेदवाद का मतलब होता है कि चिंतन के बिना, मनन के बिना, कीर्तन के बिना जीव की ब्रह्म से मुलाकात नहीं हो सकती है। यही सिद्धांत दोस्तों आपके जीवन पर लागू होता है, चिंतन के बिना, मनन के बिना, कीर्तन के बिना। ठीक, आप आपके सपने पूरे नहीं कर सकते हो। चिंतन किसका करना है, अपने सपनों का चिंतन करना है। मनन किसका करना है, आपने जो पढ़ा उसका मनन करना है। कीर्तन किसका करना है, भजन किसका करना है, आपके जो सब रीट में सिलेबस हैं उनका आपको भजन करना है। दिन रात पढ़ो 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 पढ़ो, एक दिन साहब आप जरूर कामयाब होंगे। एकदम क्लियर, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। कहा भी जाता है यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बड़ा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। एकदम क्लियर, कभी अगर दोस्तों आपके घर के किसी कोने में चिड़िया का कोना, चिड़िया का घोंसला हो, तो उस घोंसले को देखकर दोस्तों अपने सपनों को सोचना कि एक छोटी सी चिड़िया जिसमें 50 ग्राम वजन भी नहीं होगा, 100 ग्राम वजन भी नहीं होगा, कितनी मुश्किल से कितना अच्छा घोंसला बनाती है, वो कितनी बार उड़ती है, कितने से मुँह में कितने साफ तिनके उठा के लाती होगी, लेकिन बना देती हैं। तो आपका आज का प्रयास आपके कल के भविष्य की आधारशिला रखेगा, ध्यान रखना। अगर आपने आज 2 घंटे पढ़ा है तो कल आप भविष्य में 2 घंटे चैन से सोने के लिए तैयार हो जाना, लेकिन 2 घंटे अगर आज चैन से सो गए तो फ्यूचर में 2 घंटे के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाना दोस्तों। ऐसा कहा जाता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुद्दे पे आ जाओ भैया। ठीक, स्थापना गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने की थी, राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है, सिद्धांत का नाम है अचिंत्य भेदाभेदवाद। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो। ठीक दोस्तों, जानना साहब आपके जो गोविंद देव जी का मंदिर है ना दोस्तों, जो गोविंद देव जी का मंदिर है यहाँ केवल कृष्ण के मुख की ही पूजा की जाती है। दोस्तों जो गोविंद देव जी का मंदिर है यहाँ केवल कृष्ण के मुख की ही पूजा की जाती है, समझना। जो गोविंद देव जी का मंदिर है यहाँ केवल कृष्ण के मुख की ही पूजा की जाती है, अन्य पूजाएँ नहीं की जाती है। ठीक, अगली बार देखना दोस्तों, जो गोविंद देव जी हैं ना ये कछवाहा वंश के इष्ट देवता हैं, समझना। जो गोविंद देव जी हैं ये गोविंद देव जी कछवाहा वंश के इष्ट देवता हैं, समझ जाना। जो गोविंद देव जी हैं ना ये गोविंद देव जी क्या हैं, कछवाहा वंश के इष्ट देवता भी हैं, समझ जाओगे क्या दोस्तों यहाँ तक। ठीक, जो गोविंद देव जी हैं ये क्या हैं, कछवाहा वंश के इष्ट देवता भी हैं। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो। ठीक, अगर दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप, नहीं अभी आऊँ। ठीक, अच्छा फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके जयपुर में और क्या है, बात आती है कि इसके अलावा जयपुर में और क्या क्या है। ठीक साहब, हम ना जयपुर में साहब आपके शीतला माता का मंदिर है, जयपुर में आपके शीतला माता का मंदिर भी है। एकदम क्लियर, फिर बात आती है कि जो शीतला माता का मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था। ठीक, तो आप क्या बताओगे कि जो शीतला माता का मंदिर है इसका निर्माण कराया था माधव सिंह ने। ठीक,
जो शीतला माता का मंदिर है इसका निर्माण साहब किसने कराया था? माधव सिंह ने कराया था। ठीक, अच्छा साहब आपके कहाँ कराया था? क्लियर, बात करती है कहाँ कराया था, तो दोस्तों चाकसू के निकट। ठीक दोस्तों, चाकसू के निकट साहब आपके शील डोंगरी पर, चाकसू के निकट शील पहाड़ी पर शीतला माता का मंदिर का निर्माण कराया था। समझ रहे हो ना? ठीक, दो बातें दोस्तों साहब, आपकी जो शीतला माता है ना, इनके जो पुजारी होते हैं वो होते हैं कुम्हार जाति के। समझ ना, जो शीतला माता है ना, इनके जो पुजारी होते हैं वो किस जाति के होते हैं? कुम्हार जाति के होते हैं। ठीक दोस्तों, जो शीतला माता है ना, इनका जो प्रतीक होता है वो होता है मिट्टी के दीपक। ठीक, जो शीतला माता है इसका जो प्रतीक होता है वो होता है मिट्टी का दीपक। ठीक, शीतला माता का जो वाहन है ना वो है गधा। शीतला माता का जो वाहन है ना वो क्या है? गधा। ठीक, अच्छा फिर बात आती है कि जो दोस्तों जो शीतला माता है इनकी जो प्रतिमा है वो सब आपकी खंडित प्रतिमा है। क्लियर, खंडित प्रतिमा है, एकदम क्लियर। अर्थात यहाँ माता की खंडित प्ररूप में पूजा की जाती है। क्लियर, और दोस्तों शीतला माता के सब आपके जो भोग लगता है ना, सब आपके वो लगता है ठंडे भोजन का। ठीक, इनके साथ आपके जो भोग लगता है वो लगता है ठंडे भोजन का भोग लगता है। ठीक, इनके ठंडे भोजन का भोग लगता है दोस्तों, जिसे हम बासियोड़ा भी बोलते हैं, ठंडा बासी करते हैं दोस्तों। ठीक, और इनका दोस्तों जो मेला होता है ना वो भरता है शीतला अष्टमी के दिन। क्लियर, इनका सब आपके जो मेला है ना वो सब कब भरता है? शीतला अष्टमी के दिन इनका मेला भरता है। एकदम क्लियर दोस्तों, और शीतला माता को चेचक की देवी के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण माधव सिंह ने कराया था चाकसू में। कुम्हार जाति के लोग इसके पुजारी होते हैं। प्रतीक बेटी का दीपक, वाहन गधा, प्रतिमा खंडित होती है, ठंडे भोजन का भोग लगता है, मेला भरता है शीतला अष्टमी को। ठीक, यहाँ एक मंदिर और है जयपुर में, उसका नाम है शीला देवी का मंदिर। ठीक, यहाँ एक मंदिर और है, नाम है शीला देवी का मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों, जो शीला देवी का मंदिर है ना इसकी स्थापना की थी, पूछा जाएगा कि सब आपके जो शीला देवी का मंदिर है इसकी स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे? मानसिंह प्रथम ने की थी। किसने की थी? मानसिंह प्रथम ने। तो यह माधव सिंह प्रथम ध्यान रखना, एकदम क्लियर, मानसिंह प्रथम ने की थी। अच्छा पूछा जाए कि स्थापना कहाँ की थी शीला देवी की, तो आप क्या बताओगे कि जो स्थापना है ना वो की थी आमेर के जलेब चौक में। जो स्थापना है ना वो कहाँ की थी? आमेर के जलेब चौक में शीला देवी की स्थापना की थी। ठीक दोस्तों, जो शीला देवी है ना यह अष्टभुजी प्रतिमा है। ठीक, इनके साथ आपकी जो प्रतिमा है ना वह अष्टभुजी प्रतिमा है, ध्यान रखना। ठीक, बात आती है कि साहब आपकी जो शीला देवी की प्रतिमा है ये कहाँ से लाई गई थी, तो ध्यान रखना जो शीला देवी की प्रतिमा है ना ये पूर्वी बंगाल से लाई गई थी। एकदम क्लियर, जो शीला देवी प्रतिमा है यह पूर्वी बंगाल से लाई गई थी। ठीक, और दोस्तों जब ये पूर्वी बंगाल से लाई गई थी ना, उस समय पूर्वी बंगाल का जो शासक था ना उसका नाम था केदार। अर्थात मानसिंह ने पूर्वी बंगाल के शासक केदार को पराजित करके ये प्रतिमा लेकर आए थे वहाँ से। ठीक, और दोस्तों पहले शीला देवी के छग बलि दी जाती थी, मतलब यहाँ पहले बकरे की बलि दी जाती थी, वर्तमान में बंद कर दी गई है। एकदम क्लियर, यहाँ पहले छग बलि दी जाती थी, और मान्यता है कि शीला देवी के अढ़ाई प्याला शराब का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि शीला देवी के अढ़ाई प्याला शराब का भोग लगाया जाता है। ठीक, मान्यता है कि शीला देवी के अढ़ाई प्याला शराब का भोग लगाया जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों, तो एक तो शीतला माता हो गई और एक शीला देवी हो गई, दोनों के मंदिर साहब आपके कहाँ बने हुए हैं दोस्तों? आपके जयपुर में बने हुए हैं। एकदम क्लियर, इसके बाद आती है कि जयपुर में और कौन सा स्थान है। बात आती है जयपुर में इसके अलावा और कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो धारणा जयपुर में एक स्थान और प्रसिद्ध है और उसका नाम है बृहस्पति मंदिर। जयपुर में एक स्थान और है और उसका नाम है बृहस्पति मंदिर। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना
भारत में केवल दो ही बृहस्पति मंदिर हैं, ठीक, भारत में केवल दो ही बृहस्पति मंदिर हैं। भारत का जो पहला बृहस्पति मंदिर है वो तो है उज्जैन में, भारत का जो पहला बृहस्पति मंदिर है वो तो कहाँ है, उज्जैन में है, ठीक। और भारत का जो दूसरा बृहस्पति मंदिर है, भारत का जो दूसरा बृहस्पति मंदिर है वो है जयपुर में, ठीक, कहाँ है, जयपुर में। मान्यता होती है कि बृहस्पतिवार के दिन पीला ही वस्त्र पहनना चाहिए, पीली ही वस्तु का दान देना चाहिए और पीला ही खाना चाहिए, ऐसा मानते हैं बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए दोस्तों जयपुर में सब आपके जिनका मंदिर है ना, उसका सब आपके जो निर्माण किया गया है, देख दोस्तों यहाँ सब आपके जो बृहस्पति की जो मूर्ति है ना, वह जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित हैं। दोस्तों यहाँ जो मूर्ति है ना, वह जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित हैं। यहाँ जो मूर्ति है वह जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित है, ये याद रखना एकदम क्लियर, क्योंकि साहब आपके माना जाता है कि साहब पीला रंग साहब आपके बृहस्पतिवार का रंग होता है, साहब आपके इससे बृहस्पति आचार्य बृहस्पति या देव गुरु बृहस्पति साहब आपके जल्दी प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है, एकदम क्लियर है दोस्तों, ठीक। फिर बात आती है कि इसके अलावा जयपुर में और क्या है, ठीक, फिर बात आती है कि इसके अलावा जयपुर में और क्या है, तो दोस्तों इसके अलावा जयपुर में एक स्मारक है उसका नाम है जल महल, ठीक। फिर बात आती है कि जो जल महल है, इस जल महल का निर्माण किसने कराया था, बात आती है कि जो जल महल है ना, इस जल महल का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि जो जल महल है इसका निर्माण कराया था सवाई जय सिंह ने, किसने कराया था, सवाई जय सिंह ने। और पूछा जाए कि जो जल महल है ये किस नदी के निकट स्थित है, तब आपके जो जल महल है ये सब आपके गर्भावती नदी के निकट स्थित हैं, एकदम क्लियर, जो जल महल है ना यह गर्भावती नदी के निकट स्थित हैं और सब सवाई जय सिंह के द्वारा जल महलों का निर्माण कराया गया था। और जल महलों के लिए डीग भरतपुर को जाना जाता है, समझ जाओगे ना, जल महलों के लिए सब आपके किसे जाना जाता है, डीग भरतपुर को जाना जाता है, अच्छी तरह ध्यान रखना, एकदम क्लियर। यहाँ तक दोस्तों कोई डाउट है क्या भैया, नहीं है ना, ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके यहाँ कौन सा मंदिर है, ठीक। फिर दोस्तों जयपुर में एक मंदिर और है, ठीक, जयपुर में एक मंदिर और है और दोस्तों उसका नाम है नरसिंह मंदिर। जयपुर में एक मंदिर और है और उसका नाम क्या है, नरसिंह मंदिर। पूछा जाए कि जो नरसिंह मंदिर है इसका निर्माण साहब आपके किसने कराया था, ठीक, जो नरसिंह मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे, बालाबाई ने कराया था। जो नरसिंह मंदिर था इसका निर्माण किसने कराया था, बालाबाई, बालाबाई पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी है, ठीक। अच्छा पूछा जाए कि नरसिंह मंदिर कहाँ बने हुए हैं, बात आती है कि नरसिंह मंदिर कहाँ बने हुए हैं, तो आप क्या बताओगे कि जो नरसिंह मंदिर है ये बने हुए हैं कदमी महल में। जो नरसिंह मंदिर है ये कहाँ बने हुए हैं, कदमी महल में बने हुए हैं, ठीक। और दोस्तों बात आती है कि जो कदमी महल है इसका निर्माण किसने कराया था, बात आती है कि जो कदमी महल है इसका निर्माण किसने कराया था, राम सिंह ने कराया था, किसने कराया था, राम सिंह ने। और इन्हीं कदमी महलों में आमेर के शासकों का, ठीक, इन्हीं कदमी महलों में आमेर के शासकों का राज्य अभिषेक किया जाता था। इन्हीं कदमी महलों में आमेर के शासकों का राज्य अभिषेक किया जाता था, ध्यान रखना दोस्तों। आज भी साहब आपके अगर कोई आमेर का शासक बनता होगा तो उसका राज्य अभिषेक कहाँ होता होगा, कदमी महल में, क्लियर दोस्तों। जो कदमी महल दोस्तों यहाँ आमेर के शासकों का राज्य अभिषेक किया जाता है, एकदम क्लियर। फिर बात आती है दोस्तों कि इसके अलावा साहब आपके यहाँ और कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है या कौन सा स्थान है, ठीक। तो दोस्तों ध्यान रखना कि साहब आपके जयपुर में एक मंदिर और है और उसका नाम है खलकानी माता का मंदिर, क्लियर दोस्तों। यहाँ एक मंदिर और है और साहब उसका नाम है खलकानी माता का मंदिर, ठीक। और दोस्तों जो खलकानी माता का मंदिर है, क्लियर, ये है साहब आपके लुणियावास में। साहब कहाँ है ये,
लुणियावास में है, ठीक। और दोस्तों आपके जो लुणियावास हैं सब आपके यहाँ क्या भरता है, आपके गधों का मेला। दोस्तों जो लुणियावास है यहाँ क्या भरता है, आपके गधों का मेला भरता है, समझ जाओगे दोस्तों आपके, ठीक। खलकानी माता का मंदिर कहाँ है, लुणियावास में है, और यहाँ क्या भरता है, गधों का मेला। राजस्थान में साहब गधों का मेला दो जगह भरता है, एक तो कहाँ भरता है, लुणियावास में, ठीक, और एक कहाँ भरता है साहब आपके, सोरसन बारा में, समझ जाओगे ना दोस्तों। ये साहब आपके लुणियावास का साहब आपके जो गधों का मेला है ये दो जगह भरता है, एक तो साहब आपके लुणियावास जयपुर में भरता है और एक कहाँ भरता है, सोरसन बारा में भरता है, एकदम क्लियर। लुणियावास चाकसू के निकट है, तो अगर कहीं कहीं चाकसू आए तो भी गलत नहीं है, ठीक। बात आए कि राजस्थान में गधों का अभयारण्य कहाँ है, पूछा जाए कि राजस्थान में गधों का अभयारण्य कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके राजस्थान में जो गधों का अभयारण्य है वो झुंझुनू ज़िले में है, क्लियर। जो राजस्थान में गधों का अभयारण्य है वो कहाँ है, झुंझुनू ज़िले में है, ठीक। और पूछा जाए कि पूरे भारत में गधों के कितने अभयारण्य हैं, ठीक, पूछा जाए कि पूरे भारत में गधों के कितने अभयारण्य हैं, पाँच बता रखे ना मैंने, ठीक। कहाँ कहाँ हैं, एक तो है दिल्ली में, एक है जयपुर में, ठीक दोस्तों, एक तो है दिल्ली में, एक है साहब आपके राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में, एक है मध्य प्रदेश में, एक है गुजरात में, ठीक, और दोस्तों एक है आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक। दोस्तों यहाँ आपके पूरे भारत में पांच जगह गधों के अभयारण्य है, ध्यान रखना, एकदम क्लियर क्या दोस्तों, ठीक। अच्छा दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया था, यहाँ बता देता हूँ, ठीक। पूरे भारत में साहब आपके पांच जगह जंतर मंतर हैं, ठीक, पूरे भारत में पांच जगह जंतर मंतर बनाए थे सवाई जयसिंह ने, ठीक, ये बात में दोस्तों वहाँ बताना भूल गया था, यहाँ बताता हूँ। पूरे भारत में पांच जगह जंतर मंतर बनाए थे सवाई जयसिंह ने, तब कहाँ कहाँ बनाए थे दोस्तों, पहला बनाया था दिल्ली में, पहला दिल्ली में दोस्तों, साहब आपको जो दूसरा है ना ये साहब आपके बनाया था जयपुर में, कहाँ बनाया था, जयपुर में दोस्तों। साहब जो तीसरा है ना ये बनाया था उज्जैन में, ठीक, चौथा बनाया था बनारस में, ठीक, और दोस्तों जो पांचवा है ना वो बनाया था मथुरा में, एकदम क्लियर, समझ जाओ दोस्तों। और जो बनारस है ना, इस बनारस का एक नाम है वाराणसी, क्या नाम है, वाराणसी। और दोस्तों इस बनारस का नाम जो वाराणसी रखा गया है ना वो रखा गया है वरुणा और असी नदी के नाम पर, समझ जाओगे ना, वरुणा और असी नदी के नाम पर बनारस का नाम क्या रखा गया है, वाराणसी रखा गया है, हाँ या ना भैया, हाँ ना तो है ही नहीं, ठीक। फिर बात आती है कि जयपुर में इसके अलावा और क्या क्या प्रसिद्ध है, फिर बात आती है कि जयपुर में साहब आपके इसके अलावा क्या क्या प्रसिद्ध हैं, ठीक। तो आपके साथ जयपुर में साहब आपके एक मंदिर है दोस्तों, जयपुर में एक मंदिर है और दोस्तों उसे कहते हैं नकटी माता का मंदिर, क्लियर दोस्तों। जयपुर में एक मंदिर है और उसका नाम है नकटी माता का मंदिर, ये भी साहब आपके जयपुर में ही है, ठीक दोस्तों। जयपुर में एक मंदिर और है, उसका नाम है ज्वाला माता का मंदिर, जयपुर में एक मंदिर और है, नाम है ज्वाला माता का मंदिर। और पूछा जाए कि ज्वाला माता किसकी कुलदेवी होती है, पूछा जाए कि ज्वाला माता किसकी कुलदेवी होती हैं, तब समझना कि जो ज्वाला माता है ना वो खंग रावतों की कुलदेवी होती हैं, जो ज्वाला माता हैं यह खंग रावतों की कुलदेवी होती हैं, समझ जाओगे क्या दोस्तों। अच्छा दोस्तों साहब जयपुर में एक स्थान और है, नाम है मोती डोंगरी के गणेश जी, ठीक दोस्तों, मोती डोंगरी के गणेश जी, मोती डोंगरी के गणेश जी का मंदिर, ये भी कहाँ है आपके जयपुर में है, ठीक दोस्तों। एक बार देख लेते हैं दोबारा हमने आज क्या क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़े हैं दोस्तों आपके जयपुर के प्रमुख स्थल हवा महल से दोस्तों हमने हमारी यात्रा शुरू की थी और साहब आपके हम ज्वाला माता तक पहुंच चुके हैं।
दोस्तों ये था जयपुर के प्रमुख स्थलों पर एक आज का वीडियो। जयपुर बहुत बड़ा है, अभी तक कम से कम एक या दो वीडियो और बनाएंगे जयपुर पर, उसके बाद जयपुर को पूरा करेंगे। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही बहुत है। अगले वीडियो में दोस्तों हम जयपुर की भौगोलिक विशेषताओं और सांस्कृतिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, मेले महोत्सवों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ काव्य क्लासेस का ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप इसी प्रकार काव्य क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों काव्य क्लासेस का जो ऑनलाइन कोर्स है आप उसे भी आप एक बार देखिए जरूर। दोस्तों वर्तमान परिस्थिति में अगर दोस्तों आप काव्य क्लासेस का ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो दोस्तों आप हूबहू ऐसा पढ़ेंगे जैसा कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं। इतना तो आपको विश्वास होगा कि काव्य क्लासेस हमेशा विद्यार्थी हित में कार्य करता आया है और काव्य क्लासेस के जितने भी अध्यापक हैं वो सर्वगुण संपन्न हैं, प्रतिभा के धनी हैं और सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थियों को लेकर समर्पित हैं सभी अध्यापक मनोज सर के निर्देशन में। तो आप अधिक से अधिक संख्या में काव्य क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, काव्य क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेस को पढ़ें और इसी प्रकार की ताकत बनकर हमें अच्छे से अच्छा करने के लिए प्रेरित करते रहें। आप जीवन में खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें, अपने सपनों को साकार करें। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद।